बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। अभियान का मतलब कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो है। शुरुआत में जिन जिलों में बेटियों की संख्या बेहद कम थी और जिनकी स्थिति बेहद खराब थी, उन जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई ताकि वहां की बेटियों की दशा में सुधार लाया जा सके, बेटियों के प्रति लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदला जा सके। लेकिन क्या आपको पता है शुरू होने से लेकर अब तक इस अभियान में कुल कितने रुपए सरकार द्वारा लगाए जा चुके हैं? फ्लैगशिप योजना के तहत कुल 683 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 तक योजना का 58% यानी कि लगभग 400 करोड़ रुपए केवल मीडिया एडवोकेसी कैंपेन यानी प्रचार अभियान पर ही खर्च हुआ है। ये विवरण महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में साझा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात यानी CSR चाइल्ड सेक्स रेशो और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों को सुलझाना है। ईरानी ने अपनी बात में थोड़ा और वजन डालते हुए बताया कि सामुदायिक भागीदारी, जन्म के समय लिंग के चयन पर रोक और बालिकाओं की शिक्षा और विकास में मदद के लिए सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से बेटियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्तरों पर इस योजना के तहत लगातार प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने बताया राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, आकांक्षी जिलों तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सबसे अधिक दर वाले 100 जिलों के साथ मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कीजिए।